सर आप अपना नाम बताएंगे, परिचय बोलेंगे आप हमको। मैं मोहम्मद शफीउर रहमान उर्फ मस्तान, ग्राम पंचायत देवधा मध्य का मैं वर्तमान सरपंच हूँ। अभी हाँ बोलिए बोलिए। अभी हमने आपको देखा है ये बाबा विश्वनाथ दास शास्त्री के द्वारा जो भागवत कथा कहा गया उसमें आपकी अभिरुचि, आपका सहयोग हम देखे हैं बहुत ही अच्छा। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? हम इस बात से बहुत खुश हैं और मुझे बाबा का कथा बहुत पसंद पड़ा। धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे हम मुसलमान हैं उससे बहस नहीं है। हमको बाबा का कथा जो लगा हमारे हिंदू समाज में उससे हम बहुत खुश हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे कोशिश करेंगे कि बाबा जब तक आएंगे हम इनके पीछे रहेंगे, जब तक रहेंगे जब तक हम इनके पास जाएंगे मुलाकात करेंगे और हम इनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। धर्म का भेदभाव नहीं है? नहीं, कोई भेदभाव। अगर भेदभाव होता तो मैं बाबा से आगे नहीं होकर करके मैं बाबा का इज्जत करते, बाबा का हम पैर छू कर करके प्रणाम करते। हमारे पास कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ एक मैं भगवान ईश्वर समझ करके, अल्लाह समझ करके मैंने इनका इज्जत किया और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ देवधा मध के समाजों का और देवधा उत्तरी के समाजों का, चाहे हमारे हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज हो। इतनी बड़ी कथा 7 रोज तक हुआ और शांतिपूर्वक हो गया, मैं उस भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाबा अपने पैर मेरे देवधा में ला कर रख देते हैं, हम चाहेंगे हम लोग या बाबा जब तक जिंदा हैं तब तक मेरे यहाँ बराबर आवें और इस तरह का कथा कह करके हम मुसलमानों को, हम हिंदुओं को एकता बनवा कर करके जाना। चलिए, हमारा आग्रह है, हमारी तरफ से भी बड़ी बड़ी शुभकामना आपको है। हमारे चैनल की ओर से आपको धन्यवाद, शुभकामना कि आपने दूसरे धर्म के होते हुए भी आपने इन धर्म के लोगों को सहयोग किया और अपनी भावना व्यक्त की, इसके लिए मेरी ओर से भी आपको धन्यवाद। मेरे ओर से भी आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे न्यूज़ को भाई के तरह से लिए हैं और मैं बार बार कोशिश करूँगा कि हमारा एकता जो हिंदू मुसलमान का है कभी न टूटे, पूर्वज से है और आज भी रहेगा, कल भी रहेगा और जब तक बाबा आएंगे जब तक हम लोग चाहेंगे कि बाबा हम लोगों को एकता बना करके ले करके दुनिया से चल जाए। धन्यवाद, थैंक यू। आपको जय भगवान, जय। बहुत सुंदर, चलिए अच्छा लगा हमको।